है, लेट अस डू वन प्रॉब्लम। सो ये प्योरली ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसका अपन को खाली बैलेंस शीट बनाना है, पीएल बनाया हुआ है, क्लियर। सो पूरा फॉर्मेट हमको फिट है मेरे दिमाग में, पहले हम पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना डालेंगे, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बना देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। क्लियर। सबसे पहले आप हमको फटाफट बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, कौन से मेन हेडिंग में जाएगा, शेयर होल्डर फंड में और सब हेडिंग। शेयर कैपिटल, समझ गया, इस तरीके से आपको बताना है। कॉल्स इन एरियर शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में लेस होगा, मतलब एस्टिक मार्क दे दिया। लैंड नॉन करेंट एसेट का पीपीई, बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट पीपीई, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करेंट एसेट पीपीई, फर्नीचर नॉन करेंट एसेट पीपीई, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन करेंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना, स्टॉक करंट एसेट इन्वेंट्रीज, राइट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सन्ड्री डेटर, करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, राइट, एडवांसेस, कुछ नहीं, छोटा फिगर है, छोटा शॉर्ट टर्म मानो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नया प्रोविजंस के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का आइटम है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 अभी रिवाइज हो गया है, तो ये आपका सो प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, अगर एग्जिस्टिंग के हिसाब से भी जाए तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही आएगा, ये शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है ये, बताओ ना, अभी बताया ना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये वो लॉस है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, थोड़ा 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 करके राइट ऑफ होगा, दिस इज दैट लॉस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, अरे एक सेकेंड, डेबिट तो लाइबिलिटी हो नहीं सकता, या तो एसेट होगा, तो कौन सा एसेट होगा, नॉन करेंट एसेट में अदर नॉन करेंट एसेट, मैंने बताया था ना जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, दिस इज नॉन करेंट लाइबिलिटी,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड दिस इज करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल। बेटा डेबिट मतलब एसेट ही होगा, क्रेडिट मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, चीज को समझो। तो ये तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि पीएल है नहीं हमारा यहां पे, खाली बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, नेट प्रॉफिट पीएल में ऐड हो चुका है, राइट। सबसे पहला एडजस्टमेंट बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंस में, प्रेलिमिनरी वो एक्सपेंस का बात नहीं, अलग से नॉर्मल बता रहा है, बोला मिसलेनियस एक्सपेंस में ऑडिट फीस अलग से घुसा हुआ है, हालांकि ऑडिट फीस को अलग से दिखाते अपन, तो ये तो पीएल रिलेटेड डिस्क्लोजर हो गया ना। डज दिस इंफॉर्मेशन हैज एनी रेलेवेंस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। मैंने क्या किया, दो चार खर्चे को कंबाइन कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस थोड़ी जनरल कैटेगरी में जाएगा, उसको तो अलग से एक लाइन बोल के दिखाएंगे ना, पेमेंट टू ऑडिटर बोल के, राइट। तो ये पहला बात, तो इसको बैलेंस शीट से पीएल बन चुका है, हमको पीएल ठीक नहीं करना। ऊपर में जो शेयर कैपिटल है उसमें 2000 शेयर नॉन कैश में इश्यू हुआ है, जो भी शेयर नॉन कैश में इश्यू होता है उसको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, नीड्स टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। जब तुमने शेयर कैपिटल बनाएंगे वहीं पे लिख देंगे कि 2000 शेयर नॉन कैश, नॉन कैश मतलब हो सकता है शेयर इश्यू किया बदले में कोई एसेट खरीद लिया हो सकता है शेयर फ्री में दे दिया हो, बोनस शेयर्स। आप लोग कई बार क्या होता है ना, कंपनी ने कमाया, कमाने के बाद क्या करना चाहिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन डिविडेंड देने के लिए तो पैसा भी चाहिए, कंपनी ने इस साल जो भी कमाया वो सारा उधारी पड़ा हुआ है, कंपनी ने कमाया, क्या मैं बोल सकता हूं नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू कैश अवेलेबल विथ मी, नेवर, कभी नहीं बोलना कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है पुचका वाला, पुचका वाला का जो नेट प्रॉफिट है उतना रुपया उसके पॉकेट में होगा, लेकिन जो लोग धंधा करता है बिजनेस में है वो लोग ये बात नहीं बोल सकता कि जितना नेट प्रॉफिट है उतना उनके पास कैश होगा, हो सकता है कोई माल वो लोग उधार में बेचा हो सकता है पैसा आ गया हो लेकिन उस पैसा से हम लोग और कोई काम कर लिए हो, सो वी कैन नेवर से दैट प्रॉफिट इक्वल्स टू कैश अवेलेबल, सो देयर माइट बी अ केस दैट वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ डिविडेंड्स, सो इन दैट केस आई कैन गिव फ्री शेयर्स, क्योंकि फ्री शेयर्स खाली बुक एंट्री है, रिजर्व्स को कम करके शेयर कैपिटल को बढ़ा देना है, पैसा आउटफ्लो नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर जो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा था वो शेयर कैपिटल में ऐड होके आएगा, तो ये सब चीज आपको अलग से डिस्क्लोजर, तो इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर है। डेटर्स 52,000 का ऐसा डेटर है जो 6 महीने से ज्यादा ड्यू है, तो बाकी का लेस देन 6 मंथ्स है, लेकिन अभी क्राइटेरिया चेंज हो गया 0 to 3, 3 to 6, राइट, इस तरीके से हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। Is it fine? हाँ, तो ऐसे करके डेटर्स का एजिंग करना पड़ता है, आपको उम्र बताना पड़ता है कि इसमें से तीन महीना के अंदर अंदर इतना रुपया आ जाएगा, 3 से 6 महीने में इतना आ जाएगा, 6 से ऊपर वाले इतने, 9 महीने से ऊपर वाले इतने, 12 महीने से ऊपर वाले इतने, इस तरीके से आपको वो लोग एक सेग्रीगेशन दिया है। पहले खाली दो ही होता था, 6 के नीचे 6 के ऊपर, लेकिन अब मल्टीपल सब हेड्स भी हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट क्यों दिया, ऊपर में ये जो भी एसेट आप देख रहे हैं ना, राइट, ये जितना भी एसेट आप यहां देख रहे हैं
ये सब बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब मैंने क्या बोला था, ग्रॉस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू आएगा, इसी को बुक वैल्यू बोलते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में अपने को ग्रॉस लेस एक्यूमुलेटेड करके दिखाना है, तो हमारे पास बुक वैल्यू है, हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है, तो हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं ना कि नहीं दिखा सकते, क्योंकि नीचे हमको कॉस्ट बता दिया अलग से, राइट? तो दिस विल हेल्प अस इन शोइंग ग्रॉस लेस एक्यूमुलेटेड, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कितने का था? 1.5 लाख का, उसमें 7,500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को तो अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि हर 6-6 महीने में लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, बॉन्ड्स डिबेंचर जो भी आपने इश्यू किया उस पे एवरी 6-6 मंथ्स वी हैव टू पे इंटरेस्ट, राइट? अभी नहीं देना, आने वाला 2-3 महीना में दे देंगे। हो सकता है सपोज करो मैंने लास्ट इंटरेस्ट सितंबर में या दिसंबर में दे दिया, दो ठो इंटरेस्ट डेट होता है हर 6-6 महीने में, सपोज जून एंड दिसंबर आर द डेट्स, तो जून का इंटरेस्ट तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, दिसंबर वाला इंटरेस्ट दिसंबर में दे दिया, जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट कब देंगे? अगले साल जून में। लेकिन वो इंटरेस्ट तो इस साल को रिलेट करता है ना, इसलिए इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट इस साल का है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको देना कब है? अगला साल जून में। तो ये करेंट लाइबिलिटी में आएगा बेटा, लोन में नहीं आएगा, लोन में खाली प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, राइट? प्लस इसका सिक्योरिटी भी दिया हुआ है, इसके लिए कौन सा सिक्योरिटी हमने गिरवी रखा है ये बोल दिया है क्वेश्चन में, राइट? तो सबसे पहले तो इसको अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे और सिक्योरिटी भी बोला है। बैंक बैलेंस में 2000 परफेक्ट बैंक लिमिटेड में, कभी नाम सुना है? ऐसा लाखों बैंक है, पैसा रखो 2 दिन में मालूम चल जाएगा। इन सब बैंक को बोला जाता है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जिसपे आरबीआई का कोई गारंटी नहीं है, आप अपना रिस्क पे पैसा रखिए। बैंक में पैसा क्यों रखते हो? आरबीआई का सर के हाथ है उस पे, जिस बैंक के सर पे आरबीआई का हाथ है उन बैंक्स को बोलते हैं हम लोग शेड्यूल बैंक, बाकी हमारा नॉन शेड्यूल बैंक। तो ये अलग अलग दिखाना पड़ेगा, राइट? पॉइंट नंबर जी हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, तुम लोग प्लस टू में पढ़ा है, बिल डिस्काउंटेड जिसका मैच्योरिटी अभी तक नहीं आया, गला में मेरा खतरा मंडरा रहा है, बैंक को अगर मेरा पार्टी पैसा नहीं देगा तो बैंक मेरे पास आ जाएगा पैसा मांगने के लिए, और एक मशीन बनाने के लिए किसी को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट करने से पैसा देना पड़ेगा, राइट? एक कैपिटल WIP वो होता है जहां पे हम थोड़ा बहुत पैसा दे चुके हैं तो उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और ये वो कैपिटल WIP है जो हमारा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जिसका पैसा अपने को कब देना है? कंप्लीट होने के बाद। तो ये दोनों मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इज इट फाइन? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? हाँ चलो, कंपनी का नाम क्या था? पायनियर लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। पहले मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लूंगा, पूरा घर में बिना देखे प्रैक्टिस करने का है।
शेयर होल्डर्स फंड, इसमें आएगा शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर वारंट वगैरह है नहीं, दिखाने का दरकार नहीं है, जो आइटम नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट भी नहीं दिखा रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है। डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी भी नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है। आया क्या? पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा तुम लोग के सामने, राइट? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है, ट्रेड पेबल है, अदर करेंट लाइबिलिटीज भी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी है। This is what our balance sheet looks like. ठीक है, एसेट्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सॉरी नॉन करेंट एसेट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, डेफर टैक्स एसेट भी नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है क्योंकि अपन शॉर्ट टर्म अज्यूम किया है। अदर नॉन करेंट एसेट में अपन दिखा देंगे वो वाला, then we have current assets, clear? current investment नहीं है ना, inventory ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैसा लग रहा है बैलेंस शीट एक पन्ना में? इसको भरना है। एक्चुअली क्या है ना कि ये प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चन को आज ही जाके घर पे दो बार प्रैक्टिस करना है। बैलेंस शीट को चिपका देना दीवार में, ऐसे ही याद हो जाएगा। हमको कैसे हो गया, हजार बार बनाए हम। गॉट माय पॉइंट? नोट वन। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। नोट वन क्या है भैया? शेयर कैपिटल। सबसे पहला ऑथराइज कैपिटल डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। अच्छा, नम शेयर का वो क्या है? 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, 100 रुपये का शेयर है। तो ऑथराइज कैपिटल तो अपन को मालूम नहीं है, दिया हुआ है क्या? नहीं मालूम, इसे तो डॉट 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 किया है। नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है बैलेंस शीट टोटल का पार्ट नहीं बनता। सीधा पेड अप कैपिटल, ठीक है ना? वो सब्सक्राइब उतना नहीं दिखाना है, टाइम नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सीधा अपने आ जाएंगे पेड अप कैपिटल में। क्लियर? 10 लाख का कैपिटल, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 शेयर इशू किया, इसका मतलब 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 10 लाख लेस कॉल्स इन एरर 1,000। आउट ऑफ द अबव 2,000 शेयर्स हैज बीन इश्यूड फॉर
कंसिडरेशन अदर देन कैश, बस। तो शेयर कैपिटल रिलेटेड सारा चीज आ जाएगा, शेयर कैपिटल रिलेटेड सब कुछ आएगा। और कुछ नहीं है ना, 9,99,000 आ गया, 9,99,000, डन। येलो नोट टू रिजर्व एंड सरप्लस, नोट टू, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या क्या रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो जनरल रिजर्व होगा, व्हाट्सएप में ले आना जाके फटाक से, फिर ग्रुप में डाल देना। देखो जनरल रिजर्व है, पीएल है, दैट्स इट, 210 एंड 1 लाख, ठीक है ना। शर्म समझ गया क्या करना है, ग्रुप वाइज टोटल करके बैठाना है। सुंदरता बोल के भी एक चीज होता है। हाँ, अब जो भी देखेगा उसको मालूम है ना कैपिटल इतना है। अब उसको अगर फर्दर एनालिसिस करना है तो अंदर जाके देखेगा कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना कैपिटल है, कितना रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3, ठीक है ना। सबसे पहला सिक्योर्ड लोन, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड, नेचर ऑफ सिक्योरिटी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोन फ्रॉम एसएफसी, बंधु 1.5 लाख का लोन है, लेकिन ये तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा, लोन में इंक्लूड काहे किया इसको। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन कितने का है,
121 कितना आ रहा है? 263। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है ना? डन। टू 63,500। अब ध्यान से सुनना, ट्रेड पेबल का बना के फायदा नहीं क्योंकि एक ही आइटम है, तो यहीं पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। टू लाख आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसमें तो खाली एक ही आएगा ना। इसके लिए फोर बना लो। वैसे मैं अमाउंट बता देता हूं, 128 आएगा। प्रपोज डिविडेंड 60,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स 68। डन, टोटल करो। पक्का? नहीं, हम लोग कुछ छोड़ दिया क्या? 19,08,000 आएगा। ठीक है, हालांकि रियल लाइफ में नोट सबका बनेगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव में अगर एक आइटम हो तो आप लोग वहीं पे ब्रैकेट में बोल के डाल सकते हैं।
यहां पे मैं लिख सकता हूं प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, $13,300। इसके लिए मैं नोट 5 बनाऊंगा, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, और एडवांसेस एक ही है 42,700। इसके लिए नोट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नोट 5, 6, 7, 8। नोट 5 पीपीई, लैंड में तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है। बिल्डिंग में लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में भी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में भी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर में टोटल आएगा। दिस माय प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट। सबका नेट वैल्यू दिया हुआ है 2,00,000, 3,50,25,50। दो लाख 3,50,25,50। राइट, अब सबका कॉस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। $4,00,000, $7,00,000, 62,500, तो डिफरेंस आज तक का डेप्रिसिएशन होगा। $4,00,000, $7,00,000, 62,500, तो आज तक का डेप्रिसिएशन कितना, यहां पे 50, इधर में 175, इधर में 12,500। अल्टीमेटली टोटल में बुक वैल्यू आएगा, खाली ये सब प्रेजेंटेशन का चोचलाबाजी और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली एसेट विल बी शोन एट नेट फिगर ओनली, नेट बुक वैल्यू। $11,25,000। दीज आर नेट वैल्यूज, जो बैलेंस शीट में दिया है ना सब नेट दिया हुआ है, ग्रॉस एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो डिफरेंस इज माई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और जो प्रॉफिट निकाला गया वो डेप्रिसिएशन देने के बाद निकाला गया है। राइट, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 11,25,000।
एक बार एसेट साइड का टोटल करो, बैंक बैलेंस शायद प्रिंट नहीं हुआ है। जस्ट जस्ट टोटल द एसेट साइड वंस, मतलब डेबिट साइड, सॉरी डेबिट साइड का एक बार टोटल करो। ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है ना, इसमें बैंक बैलेंस प्रिंट नहीं हुआ है। पॉलिजिनियर का 1000, ग्यारह लाख 25 हजार, 2.5 लाख का स्टॉक, 2 लाख का डेटर, 42,700, 30,000 का कैश। टू लैख 47 आएगा डिफरेंस, एक लाइन स्किप हो गया है, बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है। टू फोर्टी सेवन, 13,300, 30,000, 42,700, 4,50,000, 1,000। बैंक बैलेंस नहीं आया है ट्रायल बैलेंस में। एनीवे स्टॉक हमारा फिनिश कुछ 2 लाख है, रॉ मेटेरियल 50,000 है। यहां आएगा 2.5 लाख, लेकिन नोट 6 बनाएंगे। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का भी नोट बना लेंगे। इसमें डेटर दिखाएंगे, मोर देन 6 मंथ्स दे दिया 52, तो 0 to 6 मंथ्स कितना होगा, 148। अल्टीमेटली 2 लाख ही आएगा। ठीक है ना, शेड्यूल बैंक
नॉन शेड्यूल में 2000 बोला है, टोटल बैंक बैलेंस 247 है, तो शेड्यूल बैंक में बैलेंस कितना होगा 245। अगर नॉन शेड्यूल बैंक का बैलेंस अलग से दे दिया तो शेड्यूल बैंक में बैलेंस होगा 245, क्योंकि टोटल बैलेंस 247 है। ये 2 लाख है, देखो टोटल कितना आ रहा है, 19,08,000। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करना घर में। इस तरीके से अपन को नोट्स बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप डिस्क्लोजर दे सकते देंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा। ओके बाय।